एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिनोनम्स और वो भी ट्रिक के साथ कराऊंगी। तो कौन कौन से सिनोनम हैं जो आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगी, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पॉसिटी, कमी, इसका सिनोनम्स मैंने लिखा है डर्थ एंड शॉर्टेज। सबसे पहले लेते हैं हम पॉसिटी को लर्न करने का तरीका। जैसे पापा की सिटी में कमी है पानी की, जब हम इसको अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो नेक्स्ट जो है सिनोनम वर्ड वो अपने आप, जैसे कि शॉर्टेज है, शॉर्ट का मतलब कोई चीज़, जैसे काट के मैंने इसको छोटा कर दिया, इतना मैंने इसको काट दिया तो ये हो गया कम, कम होना, तो शॉर्टेज मीन्स कमी। नेक्स्ट है जैसे पेंसिव, पेंसिव मीन्स विचारवान, विचारों से भरा हुआ। तो जैसे नेक्स्ट इसका लिखा है विचारों से भरा हुआ, तो थॉट विचार और फुल भरा हुआ, कि वो कौन, वो राम कैसा है, थॉटफुल, राम कैसा था, थॉटफुल। तो इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं, राम वॉज अ थॉटफुल सन। तो सैड, सैड और हैप्पीनेस जो है इस थॉटफुल बेटे की क्या हो सकती हैं, विशेषताएं हो सकती हैं, या वो डिजेक्टिव और रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव मीन्स किसी भी चीज़ के प्रति रिफ्लेक्शन करना, यानी कि विचार करना, ठीक है। तो नेक्स्ट है जैसे पेरिलियस, खतरा, क्या लिखा है मैंने इसका, खतरा। तो इसके लिए क्या याद करने का तरीका हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे जो प्राय लोग हैं, प्राय लोग, उनसे हमें क्या होता है, प्राय लोगों से लॉस का खतरा होता है, ठीक है, यानी कि उनसे नुकसान ही होता है प्राय लोगों से, तो प्राय लोगों से नुकसान होता है, तो इसके लिए खतरा और डेंजरस नेक्स्ट इसका वर्ड है सिनोनम। फिर है नेक्स्ट प्रूडेंट, सावधान होना, प्रूडेंट मीन्स सावधान होना। तो इसको लर्न करेंगे कैसे, प्रूडेंट जैसे मैंने लिखा है केयरफुल, अपनी केयर करना, तो केयर करना क्या है, सावधानी, ठीक है। तो या इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्रूडेंट पूर्व अपने दांतों के प्रति सावधान है, पूर्व अपने दांतों के प्रति क्या है, केयरफुल, के प्रति केयरफुल है, ठीक है। तो पूरा अपने दांतों के प्रति क्या है, केयरफुल, यानी कि सावधान। और वाइज और कॉशन भी सेम वर्ड्स हैं, जैसे कोई भी काम करते हैं तो कॉशन जरूर लेते हैं, यानी कि सावधानियां जरूर रखते हैं। नेक्स्ट है प्रोमिनेंट, प्रमुख या नोटेबल, नोटेबल से स्टार्ट करते हैं, जैसे नोट करने हैं जो योग्य है, नोटेबल कि जो नोट करने योग्य है, तो ऐसी चीज़ क्या होगी, कोई खास ही है, तो खास के लिए हम क्या ले सकते हैं, प्रोमिनेंट, साइलेंट एंड एमिनेंट, ठीक है। और अब इसके लिए और भी क्या हो सकता है, तो और के लिए जैसे प्रोमिनेंट में परम है जो सबसे, ठीक है, परम है जो सब में, तो ये है इसका लर्न करने का, परम है जो सब में, तो वो हो गया प्रमुख या खास, ठीक है। नेक्स्ट जैसे नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, प्रोडिजल, प्रोडिजल मीन्स खर्चीला, लेविस, एक्स्ट्राविजेंट एंड प्राउडी, तो ये इसके सिनोनिम वर्ड्स है। जैसे हम लेविस से स्टार्ट करते हैं, लेविस लव और इश्क, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, खर्चीले होते हैं, यानी कि इनमें खर्चा होता है, एक्स्ट्राविजेंट कोई एक्स्ट्रा अतिरिक्त रूप से खर्च करने वाला, ठीक है। प्राउडी, तो प्राउडी के लिए भी जो प्राउडी बेटा होता है वो अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा खर्च करवाता है, ठीक है। तो ये हैं इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट है जैसे मैंने लिखा है प्रस्पिकस, यानी कि सुस्पष्ट, और इसके सिनोनिम वर्ड हैं क्लियर, ओपन एंड ल्यूसिड, ठीक है। क्लियर मीन्स साफ, बिल्कुल स्पष्ट। तो जैसे इसका मैंने ये बनाया है ट्रिक कि प्रस है जो स्पेशल, स्पेशल का मतलब खास, विशेष, तो और पर्स जो हम रखते हैं, ठीक है, तो वो जो पर्स है वो स्पेशल कैसे है कि वो या तो क्लियर हो सकता है, या ओपन हो सकता है, या ल्यूसिड हो सकता है, ठीक है। तो क्लियर मीन्स साफ, बिल्कुल साफ है, सफाई के मामले लेते हैं बिल्कुल साफ, और अंदर वाले मामले में लेते हैं तो भी साफ, यानी कि खाली है, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे पांडेमोनियम, मैंने या क्या उच्चारण किया है इसका, पांडेमोनियम, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक ली है, पांडे और मोनी क्या करते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, जब हारमोनियम बजेगा तो क्या होगा, शोर शराबा होगा, तो यही इसका आंसर है, यही इसका मीनिंग है,
के पांडे और मोनी क्या बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, तो शोर शराबा करते हैं, तो सिनोनम वर्ड हो सकता है नोइजी, कोलाहल भरा। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे पैल, पैल मीन्स नीरस, बिना रस के, जिसमें कोई रस ही ना हो, या बिकम बोरिंग, बोर कर देना, ठीक है, उबा देना किसी चीज से। तो इसके लिए जैसे प्रोसेक का लिखा मैंने, पड़ोस जो है वो कैसा हो कि जो हमें बोर कर देता है, कि मेरा पड़ोस ऐसा है जो मुझे बोर कर देता है, कि वहाँ कोई कोलाहल ही नहीं है, सभी शांत रहते हैं, तो ये है नीरस, बोरिंग। और नेक्स्ट है जैसे पीकिस, पीक पर है क्या, भूख, तो पीक पर क्या है, भूख। इसको इस तरह से जैसे मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, तो ये है इसका सिनोनिम्स, अंगरी भूखा ही होता है, और स्टार्वेशन भी भूख। जैसे एक स्टोरी है एंट एंड दी क्रिकेट की, जो एंट है उसमें क्या है, वो तो बेचारी दिन रात मेहनत करती है, और क्रिकेट क्या है, अपनी मस्ती में गाता नाचता खूब मज़े उड़ाता है, और लास्ट में चींटी के पास जाता है खाना मांगने के लिए, तो वो उसे मना कर देती है, कहती है कि जब आपने टाइम था काम करने का, जब तो काम किया नहीं आपने, भोजन इकट्ठा किया नहीं, मैंने भी तो किया था, और अब मैं आपको भोजन का एक दाना तक नहीं दूंगी। तो इस तरह से वो बेचारा स्टार्वेशन में ही मर जाता है। ठीक है, तो ये क्रिकेट की स्टोरी से भी आप इसको लर्न कर सकते हो, एक छोटी सी पोएम से मैंने ली है। नेक्स्ट है जैसे क्वियर, क्वियर मीन्स विचित्र, ठीक है, विचित्र मतलब विचित्र, हटकर, सबसे अलग। तो जैसे हम ओड से लेते हैं, इवन और ओड आपने सीखे होंगे मैथ्स में, इवन और ओड, तो वहाँ पे इवन क्या है, सम, जो सबके साथ सम रहे, समान रहे, यानी कि मिलके रहे, और ओड जो सबसे अलग हो, विषम। ठीक है, तो इसको विचित्र अपने आप बन जाता है ये। इसी तरह से स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स अजनबी, बिल्कुल अलग से, मिलनसार की बजाय अजनबी, गिडी एंड फेंट इसके सिनोनिम वर्ड्स है। नेक्स्ट है क्विट, क्विट मीन्स छोड़ना, तो सिनोनिम वर्ड जैसे लीव, मैंने स्कूल लीव कर दिया, मैंने अपनी घर को अबेंडन कर दिया, जैसे उसने, महात्मा बुद्ध ने किया था गृह त्याग, और स्वामी जी ने किसकी खोज में, ज्ञान की खोज में। तो इसी जैसे रिजाइन का भी, जॉब से रिजाइन कर देना, स्टॉप, किसी काम को वहीं रोक देना, यानी कि छोड़ देना। तो क्विट में काम लर्न करने के एक मैंने छोटी ट्रिक लिखी है, कि इंग्लिश मैन जो है वो क्विट करके गए थे, क्विट तो कर गए, लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या छोड़ दी, इंग्लिश छोड़ दी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे क्वेगमायर, क्वेगमायर मीन्स दलदल, और मार्स और स्वैम्प इसके सिनोनिम वर्ड्स है। तो इसके लिए ट्रिक लिखी है मैंने, काग, काग यानी कि हरियाणा में कौवे को क्या कहते हैं, काग, जो काग है दलदल में फंसा हुआ है, मायर में, मायर का मीनिंग मैंने लिख दिया दलदल, तो काग दलदल में फंसा हुआ है, तो इसको हम ये इस तरह से लर्न कर सकते हैं, सिनोनिम वर्ड मैंने बताई दिए। फिर है ना स्क्वीवीबल, बहाना बनाना, ठीक है, कार्प एंड कंप्लेन एंड कैविंग, तो इसके लिए बहाना बनाना, कोई काम ना करना हो तो आपको बहाने बनाते हो ना, तो ये वही वर्ड है क्विबल, कि आप योग्य ही नहीं हो उस काम को करने के, तो इसलिए आप बहाने बना रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेंड्री, दुविधा, ऐसी स्थिति जो ना इधर की ना उधर की होती है, ठीक है, जिसको हम पजल से याद कर सकते हैं, यानी कि उलझन। कई बार कुछ न्यूज़पेपर में पजल आती है ना सोल्व करने के लिए, जो स्क्वेयर बॉक्स हैं उनको फिलअप करने के, उसमें या तो कोई काउंटिंग भरनी होती है या कोई वर्ड भरने होते हैं, तो वो क्या है, उलझाने वाला, यानी कि दुविधा की स्थिति। तो ये हैं इसके डिलीमा और अप्लाइड सिनोनिम वर्ड्स। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई